अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पापा के साथ बाहर निकली हूँ और मैं जा रही थी मामू को एयरपोर्ट से पिक करने, और हम और अब्बू जा रहे थे, लेकिन हम लोग बाइक से नहीं जाएंगे, हम लोग मेट्रो से जाएंगे। तो बाइक को हम लोग पार्किंग में लगाने जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में ही अंडरग्राउंड पार्किंग बना है, तो वहीं पे हम लोग बाइक को पार्क कर देंगे और उसके बाद फिर मेट्रो से एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी है मेट्रो से एयरपोर्ट, ऐसे हमारे घर से दूर है। एंड जब मेट्रो से जाओ तो एक तो कम टाइम लगता है, और दूसरा कि एकदम मेट्रो स्टेशन का जो डोर है वो एकदम सीधा एयरपोर्ट पर ही उतरता है, खुलता है, तो वहाँ से बहुत इजी हो जाता है जाना। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मामू बहुत दिनों बाद आ रहे थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और मेरे तीन मामू हैं और जो मेरे सबसे छोटे वाले मामू हैं वो आ रहे थे, तो हम लोग, मुझे तो बस था कि मैं जितनी जल्दी पहुँच जाऊँ, जितनी जल्दी मामू की फ़्लाइट आ जाए और बस जितनी जल्दी मामू घर आ जाए। एंड देखें, फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए थे और उसके बाद अब्बू टोकन लेने लगे, एंड टोकन लेने के बाद आगे चेकिंग एरिया है, और चेकिंग एरिया में मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया गया था, तो वहाँ पे मैंने वीडियो ऑफ़ कर दी। फिर हम लोग जब अप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो उसके बाद वहाँ से हम लोग को मेट्रो मिलेगी। तो देखिए, अप स्टेयर्स हम लोग चढ़ आए थे और अब मेट्रो का वेट कर रहे थे। 2 मिनट में मेट्रो आती है, मतलब हर 2 मिनट बाद एक मेट्रो आती है। और हमारे यहाँ लखनऊ में ज़्यादा अंडरग्राउंड नहीं बनी है मेट्रो स्टेशन, बस ऊपर ही ऊपर बने हैं। बस एक दो जगह है, जैसे एयरपोर्ट जब जाएंगे तो एयरपोर्ट जाने के लिए जो एयरपोर्ट वाला स्टेशन है वो पूरा अंडरग्राउंड है। एंड यहाँ पे देखिए, आलमबाग स्टेशन पूरा ऊपर ही ऊपर बना हुआ है। तो ये सब देखते हुए जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। अभी तो नीचे उतर आएंगे। यहाँ से लेकिन दिख नहीं पाता है, उससे पहले ही अंदर चला जाता है। नहीं, यहाँ से दिखा करता, यहाँ से दिखता है, इतना तो खाली है ना, अंदर भी दिखता है। अब अंदर चला जाएगा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। This train will terminate here. All passengers should deboard at the next station. यह गाड़ी आगे नहीं जाएगी। सभी यात्रियों से निवेदन है, अगले स्टेशन पर इस गाड़ी को खाली कर दें। तो देखें, सीसी एयरपोर्ट आ गया था, और इसके आगे मेट्रो स्टेशन नहीं है, बस यहीं पे मेट्रो रुक जाती है, इसके आगे नहीं जाती है। और ये देखें, ये पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है, मतलब लास्ट वाला जो स्टेशन है ये पूरा अंडरग्राउंड है, बाकी स्टेशंस ऊपर ऊपर हैं। एंड फ्रेंड्स, जो सीसी एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मतलब जो हमारा आलमबाग वाला स्टेशन है वो तो बस ऐसे ही बना है, कोई मतलब वहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो सीसी एयरपोर्ट का स्टेशन है वो बहुत प्यारा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे वॉल्स पे पेंटिंग है, और फिर दूसरा, जब हम लोग बाहर आते हैं स्टेशन के तो पूरे पॉट्स लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा कहीं कहीं मुझे शूट करने नहीं दे रहे थे क्योंकि चेकिंग का था, तो उन लोग का प्राइवेट अपना वो है, तो इसीलिए मुझे शूट नहीं करने दे रहे थे। एंड फिर हम लोग ऊपर जाने लगे, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मामू आ रहे थे, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब हम लोग का तो बस ऐसे नॉर्मल सा बना हुआ है, बट मेट्रो सीसी एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड देखिए, सीसी एयरपोर्ट पे लिफ्ट दी गई है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग ट्रैवल बैग के साथ ही आते हैं, तो ट्रैवल बैग लेके स्टेयर्स चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे लिफ्ट दी गई है। और बहुत अच्छा है कि यहाँ पे लिफ्ट है, उससे बहुत पब्लिक को आराम रहता है। एंड देखिए, बस हम लोग लिफ्ट से उतरे एंड बाहर निकले और सामने ही एयरपोर्ट, मतलब बहुत ईजी है मेट्रो से एयरपोर्ट आना, बस यहाँ से सीधा जाएंगे और एयरपोर्ट है। तो अगर हम लोग बाइक से आते तो एक तो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और मेट्रो से मुझे लगता है मुश्किल से 7 मिनट 8 मिनट या ऐसे ही टाइम लगा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है।
एंड यहाँ से बस सीधा जाएंगे और सामने ही देखिए एयरपोर्ट है। अभी बाइक्स भी होती तो वो भी दूर पार्क करनी पड़ती और फिर बाइक से तीन लोग आ भी नहीं पाते। तो हम लोग देखिए पहुँच गए थे, बट अभी मामू के फ्लाइट आने में टाइम था तो हम लोग को वेट करना था। तो हम लोग कम से कम 45 मिनट्स पहले ही पहुँच गए थे, तो हम लोग थोड़ी देर वेट किए एंड फिर थोड़ी देर बाद हम लोग ने देखा कि कलकत्ता की जो फ़्लाइट है वो आ गई थी, बट उसमें अभी टाइम लगना था क्योंकि जब बैग्स उतरते हैं और फिर निकलने में भी टाइम लगता है। तो देखिए कलकत्ता की जो फ़्लाइट है वो तो आ गई है, बट अभी निकलने में जो पैसेंजर्स हैं उनको निकलने में टाइम लगेगा। तो हम लोग पहले यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे थे, लेकिन फिर हम लोग को कहा गया कि पीछे खड़े हो जाइए। पहले तो टिकट लेके अंदर जाने देते थे, लेकिन अब अंदर भी नहीं जाने देते हैं, बस बाहर ही बाहर से आप लोग वेट करिए। एंड देखिए फेस मेरा कैसा रेड रेड हो रहा था, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी और धूप भी बहुत थी। एंड उसके बाद हम लोग वेट करने लगे और दो फ्लाइट्स आई थी, तो दोनों फ्लाइट्स के जो पैसेंजर्स थे वो एक साथ निकल रहे थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि मामू कब निकलेंगे, एंड मामू ने कॉल किया था कि हाँ मेरी फ़्लाइट आ गई है और मैं बैग लेके निकल रहा हूँ। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे और देखिए मामू बाहर आ गए और मैं तो इतनी खुश हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं इतना टाइम हो गया था, मैं मामू से मिली नहीं थी, हम लोग गए नहीं थे ना, मामू आए थे अभी। एंड बस फिर उसके बाद हम लोग वापस आने लगे और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मामू को देख के, मतलब अब बस कुछ दिन मामू साथ में रहेंगे ये सोच के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और फिर देखिए हम लोग फिर से मेट्रो का वेट कर रहे थे। एंड फिर हम लोग आलमबाग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए थे। एंड फिर फ्रेंड्स उसके बाद मामू ने घर में सबके लिए स्वीट्स लिए और फिर उस दिन मामू ने थोड़ा सा रेस्ट किया और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग को दावत पे भी जाना था, उसके बाद मामू ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। तो वो सारे व्लॉग्स भी अगर आपको मुझे देखने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।